अगर तो बच्चा डायग्नोस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी में है, जिसमें डिसलेक्सिया सबसे कॉमन कंसीडर किया जाता है, या डिसकैलकुलिया जिसमें हम मैथमेटिक्स के इश्यूज देखते हैं, 5 to 11 में बच्चे के इमोशंस जनरेट हो गए। अब अगर इस टाइम में वो देख रहा है कि मैं लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं नेगेटिव लेबल हो रहा हूँ, तो अब वो इमोशनली डिस्ट्रेस में जाना शुरू करेगा। एक चीज़ जो बहुत नेगेटिव हमारी सोसाइटी में है कि पेरेंट्स कंपेयर करते हैं कि मेरा ये बच्चा तो ऐसे करता है बाकी सारे बच्चे, यहाँ से बच्चे के अंदर मोटिवेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं लाइक जो बच्चों की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं या फिर लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में हेल्पफुल रहें? देखिए, अगर तो बच्चा डायग्नोस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी में है, जिसमें डिसलेक्सिया सबसे कॉमन कंसीडर किया जाता है, और इसका मतलब होता है कि बच्चे को पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम है और याद करने में प्रॉब्लम है, कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, मोस्टली लैंग्वेज सब्जेक्ट ये ज़्यादा होते हैं, या डिसकैलकुलिया जिसमें हम मैथमेटिक्स के इश्यूज़ देखते हैं, ठीक है, अगर वो डायग्नोस्ड है, तो सबसे पहले इसकी बेहतरीन स्ट्रैटेजी है कि बच्चे को टास्क एनालिसिस के थ्रू, मतलब छोटे छोटे चंक्स के अकॉर्डिंगली, एक तो उस पर सिलेबस का बर्डनाइज ना किया जाए, एक्सेसिव सिलेबस उसे मत दिया जाए, दूसरा चंक्स में उसको रेपिटेटिव वे में वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट सिखाया जाए, तो ये चीज़ देखने में आई है कि बच्चा बड़ी जल्दी इस चीज़ को कवर करता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ये चीज़ 5 to 7 साल तक ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल है। उसके रीज़न क्या है कि 5 to 11 में बच्चे के इमोशन जनरेट हो गए। अब अगर इस टाइम में वो देख रहा है कि मैं लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं नेगेटिव लेबल हो रहा हूँ, तो अब वो इमोशनली डिस्ट्रेस में जाना शुरू करेगा, जिसमें उसका सेल्फ इस्टीम लो होगा। जब सेल्फ इस्टीम लो होगा तो बच्चे का दिल ही नहीं जाएगा पढ़ने के लिए। प्लस एक चीज़ जो बहुत नेगेटिव हमारी सोसाइटी में है कि पेरेंट्स कंपेयर करते हैं कि मेरा ये बच्चा तो ऐसे करता है बाकी सारे बच्चे, यहाँ से बच्चे के अंदर मोटिवेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो अगर बच्चे को पॉजिटिव इन्वायरमेंट दिया जाए, देन उसके ऊपर सिलेबस का बर्डन कम करके उसको चंक्स में या शॉर्ट प्रैक्टिसिंग के अंदर मल्टीपल टाइम्स वो चीज़ करवाई जाए, बच्चा अपने इश्यूज बिल्कुल रिजॉल्व कर सकता है, बट इन वेरी पॉजिटिव वे, नो कंपैरिजन, नो नेगेटिव लेबलिंग। तो आप देखें बच्चा कैसे वो इशू रिजॉल्व नहीं करेगा।